अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तैयब मुगल, और आप देख रहे हैं तैयब मुगल चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम न्यू रिव्यू बनाने लगे हैं, और इस टाइम हमारे पीछे एक बाइक खराब है, हार्ले डेविडसन 883। तो अभी इसका रिव्यू करेंगे कंप्लीट, इसकी प्राइस वगैरह, स्पेक्स वगैरह सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि ये कि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे। तो अभी डिटेल्स आपको बताते हैं सारी, फैसल भाई। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। जी वालेकुम सलाम, और अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले व्यूअर्स को। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं, ये हार्ले डेविडसन 883 की रेप्लिका है, बहुत ज़बरदस्त मॉडल है। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इसका हम रिव्यू ऑलरेडी भी कर चुके हैं, बट ये है कि जो इस कलर स्कीम इस टाइम मौजूद है, इसका रिव्यू शायद पहले नहीं हुआ, तो इसलिए हमने सोचा इसका रिव्यू भी कर लें। और अभी जो राइट नाउ हमारे स्टॉक है, इसकी प्राइस काफ़ी ज़बरदस्त और रीज़नेबल है, क्योंकि प्राइसिंग जो अभी नई शिपमेंट आने वाली है उसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000 इंक्रीमेंट होने वाला है। तो आप लोगों से यही है कि अभी जो आप देख रहे होते हैं इसकी वीडियोस के नीचे डेट भी अपलोड की मेंशन होती है, तो वो प्राइस उस प्रोडक्ट की उस तब तक वैलिड होती है कि जब तक वो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। तो जैसे ही नई शिपमेंट आएगी तो उसकी हम स्टॉक की अपडेट भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं अपने चैनल पर भी, और आपको इस तैयब भाई के चैनल पर भी आपको मिल जाएगी अपडेट, तो उसके ऊपर प्राइसिंग भी इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी। तो अभी जो राइट नाउ जो स्टॉक में है उसकी जो प्राइस है वो वैलिड है तब तक जब तक ये स्टॉक अवेलेबल है। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसके रिव्यूज़ की जाने, आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बताते हैं, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसकी जो इतनी भी जो प्राइस डिस्कशन है और स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको कम्प्लीट ब्रीफिंग मिल जाए। तो स्टार्ट करता हूँ फ्रंट एंड, इसके फ्रंट एंड बैक रिम्स की बात करूँ तो फ्रंट एंड बैक जो इसका रिम साइज है 7 इंच के रिम्स हैं, और फ्रंट पे टायर की बात करूँ तो 120/80/17 का हमें बाय डिफॉल्ट फ्रंट टायर मिल जाता है, और बैक पे 140/70/17 का रियर टायर मिल जाता है। फ्रंट पे जो रिम है इसके ऊपर हमें 2 फ्लोटिंग डिस्क मिल जाती है विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम देती हैं। और बैक की बात करें तो बैक पर हमें सिंगल डिस्क मिल जाती है विद सिंगल पिस्टन कैलिबर। फ्रंट पे जो इसके शॉक्स हैं इन्वर्टेड शॉक्स हैं, इसकी सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है, जो क्रूज़र लवर्स हैं उनको इसकी सस्पेंशन और जो इसकी ड्राइव उसके बारे में पता होगा। बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी यूनिट सेल कर चुके हैं, तो हमें कस्टमर की तरफ से काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह इसका फीडबैक है। और बढ़ते हैं इसकी फ्रंट लाइट की जानिब, तो बहुत सी स्मार्ट सी जो है हार्ले स्टाइल की इसकी लाइट्स है, DRL पार्किंग के साथ है। बाकी इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ हैलोजन बल्ब है, बाकी आप अगर चेंज करना चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी SMD इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं। हैंडल बार बहुत ज़बरदस्त है, इसका फैट हैंडल बार है, और सीटिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, वो आपको इसको बैठ के भी मैं चेक करवा दूंगा कि इसका सीटिंग पोस्चर कैसा लगता है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जो क्रूजिंग के लिए पर्पज़ के लिए, लॉन्ग टूर्स के लिए जो ये बाइक है बहुत ज़बरदस्त बेस्ट है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी है। और दूसरा ये सबसे मेन चीज़, इसकी कम्फर्ट काफ़ी ज़बरदस्त है, आप कहीं भी लॉन्ग जर्नी में जाते हैं आपका सीटिंग पोस्चर स्ट्रेट रहता है, और आपको किसी किस्म की इसमें अंदर डिस्टर्बेंस नहीं आती। राइट साइड असम्बलीज की बात कर लें तो राइट साइड हमें असम्बली में किल स्विच की ऑप्शन मिल जाती है, नीचे लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन, नीचे सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मिल जाती है। और जो इसकी लेफ्ट साइड असम्बली है इसके ऊपर हमें यहाँ पे डिम्पर की ऑप्शन है, हैजर्ड बटन की ऑप्शन है, और लाइट हाई लो की, नीचे इंडिकेटर की, और सबसे लास्ट में हमें हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। बैक व्यू मिरर जो है वो हार्ले स्टाइल में क्रोम स्टाइल में इसके राउंड शेप में लगाए गए हैं। फ्यूल टैंक इसका बहुत ज़बरदस्त स्टाइलिश में बनाया गया है, और फ्यूल टैंक जो स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम 17 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है।
और जो सीट राइडर्स की जो इसकी सीट है काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल सीट है। पिलियन राइडर्स के लिए भी सीट है लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट है, बट यह है कि राइडर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल सीट है। और बैक पे जो है बैक टेक जो पिलियन राइडर्स के लिए भी इसके ऊपर ये नए मॉडल्स में लगी हुई है। बढ़ते हैं इसके मेन इंजन की जानिब। बहुत ही ज़बरदस्त इसका पावरफुल इंजन है, 400 cc ड्यूल सिलेंडर वाटर कूल इंजन है, मेड बाय जोंगशन है। और EFI इंजन होने की वजह से इसकी फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप सो इसकी फ्यूल कंजम्पशन के बारे में बताएं तो 1 लीटर में मैक्सिमम 35-40 किलोमीटर देने की सलाहियत रखता है। 35 मैक्सिमम आपको जो है कंपनी क्लेम करती है, मैक्सिमम आपको 35 इसकी एवरेज मिल जाती है फ्यूल EFI होने की वजह से। हॉर्स पावर की बात करें तो ये 40 हॉर्स पावर जनरेट करता है 8,500 RPM पे। और इसकी जो पिक वगैरह इनिशियल पिक वो भी बहुत ज़बरदस्त है, हमने इसकी टेस्ट राइड भी की हुई है और इसकी हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो फीडबैक है काफ़ी अच्छा मिला है। साउंड आपको इसके वीडियो के एंड में चेक करवाएंगे, इसके जैसा कि एग्जॉस्ट लगे हुए क्रूजर स्टाइल में तो इसकी काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो आपको स्टार्ट करके इसकी साउंड भी टेस्ट करवाएंगे कि किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करता है। इसकी जो बैक लाइट है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में बनाई गई LED, जैसे आप इसकी ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये आपको काफ़ी तेज़ ग्लो करती हुई दूर से इंडिकेट करती है। एक एडिशनल करता जाऊँ इसके अंदर राउंड मीटर का इसको जो इसके अंदर लगा हुआ है ये आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना नहीं मैंने नहीं बताया तो इसका बता दूँ, ये काफ़ी ज़बरदस्त राउंड शेप में बना हुआ है और फुली डिजिटल डिस्प्ले है। इसके अंदर हमें गियर इंडिकेशन की ऑप्शन भी मिल जाती है, यहाँ पे ऊपर राइट साइड पर फ्यूल इंडिकेशन बार आपको नज़र आ रही है तो ये आपको फ्यूल इंडिकेशन बताती है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर इसका जो टेम्परेचर है बैटरी का वो आपको इसका बताता है, बैटरी इंडिकेट करती बताती है कि कितनी चार्ज है। उसके बाद जो इसका RPM मीटर है वो नीचे यहाँ पे बॉटम में है तो जितने RPM पे आपका जाएगा तो ये आपको बार की सूरत में इंडिकेट होगा। और यहाँ पे हमें माइलेज की ऑप्शन मिल जाती है कि आपकी जो स्पीड है वो कितने स्पीड में बाइक ड्राइव कर रही है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बाइक को और इसकी साउंड टेस्ट करवाते हैं। आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको इसकी साउंड कैसी लगी, किस तरह की ये साउंड प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव साउंड है। बाकी इसकी साउंड की एक्चुअल क्वालिटी साउंड देखने के लिए आप हैंड फ्री यूज़ कीजिए। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे आउटलेट विज़िट करके भी इसकी साउंड टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि फैसल भाई ने अभी आपको कंप्लीट डिटेल रिव्यू दिया है इस बाइक का, सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह बताई है और साउंड टेस्ट भी जैसा कि आपने चेक कर ही लिया, तो लास्ट में जैसा कि हमने कहा था आपको प्राइस बताएंगे। तो इसकी जो प्राइस है वो 7,25,000 इसकी प्राइस है। और उससे पहले ये भी एक बात है कि जो फैसल भाई ने की है कि प्राइस जो है वो तो जब वीडियो बनी है उसके हिसाब से होती है, ठीक है, डेट के मुताबिक। अब आप काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो देखें तो ये प्राइस जो है वो नहीं होगी, जैसी बात है वो फिर डेट वाइज वेरी करती है प्राइस। तो अभी ये है कि अभी के लिए ये प्राइस है 7,25,000 आप आए। और इसके साथ साथ ही एक आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी है वो के फैसल भाई आपको दिखाएंगे अभी, ये आप चेक कर सकते हैं, बड़ा प्यारा एक हेलमेट है इसके साथ और आप चेक कर सकते हैं बड़ा मैचिंग है। इन्होंने स्पेशल इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि हम देंगे इसके साथ, तो ज़रूर चैनल का कोड करेंगे, बिल्कुल आप चैनल का कोड करें और ये आपके साथ बाइक के साथ ये भी जाएगा इंशाल्लाह। तो जल्दी आएँ और ये है कि इस बाइक को बुक करवाएं और अपने लिए लिए तो साथ आप गिफ्ट हैम्पर भी इंशाल्लाह देंगे आपको ये। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।